एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन को दिखाया जाता है जो टेलीपोर्टर यूज करना सीख रहा था। जब उसमें केला रखकर टेलीपोर्ट करता है तो टेलीपोर्ट होने के बाद वापस आता तो वो फट जाता और मशीन में भी खराबी हो जाती है। बेन यहाँ स्मोक फायर बनता है और उस मशीन को उठाकर बाहर फेंक देता है। जोरदार ब्लास्ट होता है। केविन उस टेलीपोर्टर के पास जाता है और बोलता है कि हमें यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। केविन कूपर की लैब में जाता है पर कूपर वहाँ पे नहीं होता, सामान बिखरा हुआ होता है। इसी बीच बेन को एक गन मिलती है जिसको चालू करने पर एक वीडियो फुटेज चालू हो जाता है जिसमें कूपर को हाइब्रिड लेकर जा रहे होते हैं। फिर ग्वेन से बेन बोलता है कि तुम उसका पता लगाओ और ग्वेन बहुत ही आसानी का पता लगा लेती है पर उन्हें आसपास खंडर के सिवा कुछ नहीं दिखाता। तभी बेन एक छेद से अंदर जाता और उन्हें भी बुलाता है। यहाँ पर हाइब्रिड अपना अड्डा जमा रखा होता है। अपनी पावर से पता लगा लेते कि कूपर इस समय कौन से कमरे में। कमरे में जाने से पहले बेन बताते कि अंदर डीएन एलियन भी है तो बेन यहाँ पर गूप बनता है और धीरे से अंदर जाता है। बेन वहाँ देखता है कि कूपर की एक गलती की वजह से सोनिक साउंड निकलता है जिससे कि डीएन एलियन को काफी दर्द होने लगता है। कूपर की इस हरकत से डीएन एलियन गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर बेन पहले ही उन्हें निपटा देता है। केविन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और बोलता है कोई मदद चाहिए, जिस पर कूपर ग्वेन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हर तरफ डीएन एलियन होता है। कूपर यहाँ बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम धीरे से यहाँ से निकल सकते हैं। वो अपने जेब से एक प्रोटोटाइप निकालता और बताता है ये मैंने टेस्टिंग के लिए बना था और कूपर उस डिवाइस को ऑन करता है जिससे सभी इनविजिबल हो जाता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मशीन में खराबी हो जाती है, वो लोग विजिबल होता है और चार तरफ से डीएन एलियन घेर लेते हैं। केविन कुछ सोख पाता है, इससे पहले डीएन एलियन से पकड़ लेता है। बेन के साथ भी ऐसा होता है, ग्वेन लड़ रही होती है पर जब हाइब्रिड वहां पर आता है तो कूपर को मारने की धमकी देता है जिससे ग्वेन भी सरेंडर कर देती है। फिर उसने एक रूम में बंद कर दिया जाता है। बेन बोलता है तुम बल्सेडियम को एब्जॉर्ब करो। केविन वैसे ही करता है, उसके बाद एको में बदल जाता है। ग्वेन दरवाजा नॉक करती है और डीएन एलियन से बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है। दरवाजा खुलते उसे मार कर गिरा कर केविन पर हमला करती है। केविन के हाथ में बेन होता है, वो उसी साउंड में चिल्लाता है जिससे उन्हें काफी तकलीफ होता है, सारे ढेर हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमला करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और कूपर के पास पहुंचते हैं। कूपर के पास पहुंचने पर बेन बोलता है हमें इनविजिबल करने वाली मशीन के पास ले चलो। कूपर उस मशीन की तरफ उन्हें लेकर जा रहा था तभी ढेर सारे डीएन एलियन उन्हें घेर लेते हैं। बेन बोलता है इस बार केविन पर बहुत जोर से हमला करना और ग्वेन वैसा ही करती है। बेन इतनी जोर का चीखता है कि सभी डीएन एलियन ढेर हो जाता है। फिर वो लोग मशीन के पास पहुंचते हैं। कूपर जब उसे छूता है तो वो देखता है ढेर सारे स्पेसशिप आ रहे हैं और पृथ्वी नष्ट हो गई है। बोलता है इसे डिसेंबल करना पड़ेगा और उस काम में लग जाता है। कुछ ही देर में उसे असेंबल से डिसेंबल कर देता है और ग्वेन उसे तोड़ देती है। पर अब तक पूरी सेना उनके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। डीएन एलियन जब उनके पीछे जाहिर होता है तभी वहां पे हाइब्रिड आता है और बोलता है उन्हें जाने दो, हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन बताता है कि अब कूपर को कोई खतरा नहीं क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। यहाँ पर बेन बोलता है कूपर क्या तुम मेरी इस मिशन में मदद करोगे, जिस पर कूपर ग्वेन को देखकर बोलता है जब भी तुम चाहो। ये सब देखकर बेन और केविन हंसने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।